आज भोरे भोरे सवेर में एगो गाना रिलीज भइल है। गाना के नाम है मुर्गा है असली, जेकर गायक बाड़े ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। और आज जो बा हमरा के पता चल गई, और हमरा ही ना बल्कि हमरा लागत है कि पूरा देश के पता चल गई हुई, सब कोई के पता चल गई हुई कि खेसारी लाल यादव के ट्रेंडिंग स्टार काहे कहल जाला, चाहे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव काहे कहल जाला, चाहे खेसारी लाल यादव के नाम से पहले ट्रेंडिंग स्टार काहे लागेला, ये आज पूरा भोजपुरिया जहान के भोजपुरिया समाज के पता चल गई हुई। नहीं बाकी नहीं पता चलल तो हम भी बता देते नहीं, सस्पेंस के ख़त्म करते नहीं भैया, कि आज भोरे भोरे एगो गाना रिलीज भइल है खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड, जो कि खेसारी लाल यादव के चैनल है। पहला बात कि आप सबके पता ही बा कि खेसारी लाल यादव के जो बा अभी गाना आवे से बैन हो गए भरन, तो कोनो और म्यूजिक कंपनी से उनकर गाना नहीं आ सकत, यही चलते उनकर खुद के चैनल खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से गाना आयल है, मुर्गा असली है गाना के नाम है। और बहुत दिन के बाद ये गाना आयल है, नया साल स्पेशल हैप्पी न्यू ईयर के स्पेशल जो बाटे ये गाना बाटे। और गाना मात्र 5 घंटा में जो बा 1 मिलियन यानी कि 10 लाख आंकड़ा जो पार कर गई बा। सबसे खास बात बा कि गाना जो बा 5 नंबर पर ट्रेंड करता, तो ये खेसारी लाल यादव के चाहे वाला फैंस और दर्शकों के प्यार बा कि हतना दिन के बाद गाना आयल है खेसारी लाल यादव के, और वही प्यार मिलता, वही दुलार मिलता, माने मात्र 5 घंटा में 1 मिलियन 10 लाख के व्यू मिलना, और साथ ही साथ गाना को ट्रेंडिंग में लाना, जो कि खेसारी लाल यादव को जाना जाता है जिस चीज़ के लिए ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है, तो वो चीज़ वो हमेशा साबित कर देते हैं। और उनका जितना भी गाना आता है अधिकतर जो है ट्रेंडिंग करता है, और बहुत खूबसूरत गाना भी है। खेसारी लाल यादव और नेहा कक्कड़ के आवाज़ में ये गाना है, महिमा सिंह इसमें एक्टिंग की, और बहुत खूबसूरत बहुत ही शानदार गाना है, बहुत अच्छा फिल्माया गया है। खेसारी लाल यादव का लुक भी बहुत बेहतरीन है, एकदम लाल बाल में एकदम, माने बॉडी सॉडी तो खैर कहना ही नहीं है। तो खेसारी लाल यादव आज साबित कर दिए कि उनको ट्रेंडिंग स्टार क्यों कहा जाता है। खेसारी लाल यादव ये भी साबित कर दिए कि भोजपुरी में अगर कोई है पवन सिंह के सामने, अगर कोई है वाकई में, तो वो खेसारी लाल यादव ही है। और क्यों खेसारी लाल और पवन सिंह में विवाद होता है इसका भी आज पता चल गया कि आज ये गाना साबित कर दिया। और एक खास बात यह है कि एक काम में वो पवन सिंह से 2 कदम आगे निकल गए कि नया साल आने वाला है, 2 दिन बाद नया साल हो जाएगा, और नया साल स्पेशल सॉन्ग जो है पवन सिंह से पहले खेसारी लाल यादव ला दिए, और यहाँ पर वो पवन सिंह से 2 कदम आगे आ गए। अब ये गाना इतना तो श्योर है कि पूरा नया साल में 1 जनवरी को हमें ये गाना खूब बजेगा, और ये गाना अब ट्रेंडिंग में चला गया है, ये गाना 1 मिलियन क्रॉस कर गया, हो सकता है कि रात तक ये गाना 2 मिलियन पार कर जाए, हो सकता है कि गाना ये नंबर 1 पे भी ट्रेंड करने लगे। तो ये बहुत बड़ा बात है, बहुत खुशखबरी का बात है खेसारी लाल यादव के लिए, ना सिर्फ बल्कि भोजपुरिया जहान के लिए, भोजपुरिया समाज के लिए, कि एक बार फिर से कोई गाना भोजपुरी का ट्रेंडिंग में ट्रेंड कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, बहुत अच्छा लगा और हमको भी पता चल गया। वैसे तो खेसारी लाल यादव का हमेशा से गाना जो है ट्रेंड करते, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज जब ट्रेंडिंग में देखे तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि बहुत दिन बाद कोई गाना जो है ट्रेंडिंग में गया है भोजपुरी का, तो बहुत खुशी भइल। और ऐसे ही आप लोग प्यार दीजिए खेसारी लाल यादव को, और खेसारी लाल यादव ही नहीं सभी को इतना ही प्यार दीजिए, चाहे भोजपुरी का किसी भी सिंगर का गाना हो, आप लोग भरपूर प्यार दीजिए। और मिल भी रहा है भाई, चाहे पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो, नील कमल सिंह हो, रितेश पांडे हो, सबका गाना आज के समय में ट्रेंड कर रहा है, शिवानी सिंह हो, शिल्पी राज हो, तो सबका गाना आज के टाइम में ट्रेंड कर रहा है। तो आप भोजपुरी में और बिहारी लोगों में इतना पावर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और इसका नमूना ही है कि गाना जिस तरह से ट्रेंड कर रहा है भोजपुरी का। बाकी फिलहाल मुर्गा असली आ चुका है, तो आराम से मुर्गा का आनंद लीजिए, और गाने को जो है जल्दी से जल्दी ट्रेंडिंग में लाइए। और उम्मीद है कि हमारे पावर स्टार पवन सिंह भी जल्दी ही न्यू ईयर सॉन्ग लेकर आएंगे। फिलहाल तो उनका अभी बर्थडे का सॉन्ग आने वाला है 5 तारीख को, अब उससे पहले न्यू ईयर सॉन्ग आएगा कि नहीं आएगा अभी ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है। बाकी खेसारी लाल यादव जी पहले ही न्यू ईयर स्पेशल सॉन्ग लाकर बाजी मार लिए हैं। बाकी इस पर आप लोगों का क्या राय है, क्या कहना है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और खेसारी लाल यादव के फैन हैं बड़े, वो जम के शेयर कर दीजिएगा भैया, ठीक है। वैसे पवन सिंह के फैन हमें खेसारी लाल यादव के भी हैं, और जिस तरह से खेसारी लाल यादव नाम कमा रहे हैं बहुत खुशी हो रहा है। तो बस ऐसा मत सोचिएगा कि पवन सिंह के फ़ैन हैं तो ये वो दिस दैट, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, हम सबके फ़ैन हैं, जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा करेगा, सबको सपोर्ट करना है, ठीक है। वैसे भी दोनों भाई पवन खेसारी मिल चुके हैं, तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं, समाज का अच्छा नागरिक होने के नाते सबको सपोर्ट कीजिए। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।